तू? झरना कहाँ है? झरना कहाँ है? सोचा था कि वो गेट के बाद इंस्टेंटली मिले। ये कौन है? इतना दूर देखो तो कैसे है? आउट स्टेट के लोग सोचते हैं कि अरुणाचल एक ठंडी जगह है और साल भर ठंड से घिरा रहता है, पर उन्हें क्या पता गर्मियों में ये हॉटनेस में किसी और स्टेट से कम नहीं, स्पेशली इन कैपिटल रीजन। और आज 34 डिग्री सेल्सियस है। हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत गर्मी है तो इसलिए मैं सरतमियांगा जाने वाली हूँ, एक्सप्लोर करने वाली हूँ एक झरना, सुंदर सा झरना जो कि बहुत फेमस है अरुणाचल में, अरुणाचल स्पेशली ईटानगर में। बट आई हैव नेवर वेंट, तो मुझे भी देखना है ये कैसा है, तो मैं आप सबके साथ ये मोमेंट शेयर करने वाली हूँ। चलो आने नो सो झरना चिंपन है झरना झरना उगलो आलू के मैं आलो के मैं फैलिंचो। एज यू गाइस नो दैट कि ये मेरा सेकंड व्लॉग है, और अगर आपको पता नहीं था कि ये मेरा सेकंड व्लॉग है तो जाकर मेरा पहला व्लॉग जरूर देखिएगा। हम भटक चुके हैं अभी। जाना तो था हमें वाटरफॉल में, पर हम गए स्कूल, चर्च और लोगों के घर। हम सभी के लाइफ में कुछ एम होता है, पर उस एम के रास्ते शायद ही आसान हो, और आज का हमारा एम था वाटरफॉल, जिसके लिए हम इधर उधर भटक रहे थे। आपको हमें झरना पता है? झरना झरना क्या होगा पता है? झरना हाँ, वाटरफॉल यहाँ में तो वाटरफॉल बताया क्या किसी ने? हाँ इस साइड है, बोले इस साइड में तो स्कूल हो गया ना, ये तो स्कूल है लास्ट है। हाँ यहाँ पे तो वाटरफॉल नहीं है, इस तरफ था क्या? ठीक है तब तो वाटरफॉल नहीं है। थैंक यू। हम लोग रोज आना जाना करते हैं यहाँ से, कोई नहीं है इस साइड तरफ जाके दिखेगा। थैंक यू। हाँ रास्ता है, ओ यहाँ में एक रास्ता है, तो आज हम भटकते ही रहेंगे आई गेस। अब हम पहुंच गए चर्च पर। झरना कहाँ है? यू टर्न मर मर के दिन गुजर जाएगा लगता है। वी हैव टू गो फास्ट। झरना का रास्ता कहाँ होगा ना? आइडिया है? आ वो दूर आ गया ना। ओह थैंक यू। ऊपर से दूता कलबत को ऊपर से उस साइड होता होगा, उधर भी कुछ एरो भी तो दिख रहा है। भैया हेलो, नीचे ना पूछ। झरना कहाँ है? झरना कहाँ होगा मालूम है? झरना कहाँ होगा मालूम है? थैंक यू। ऊपर जाएगा ना होगा। हमारे प्यारे अरुणाचल के लोग कितने जेनरस है आप इस व्लॉग में देख ही सकते हैं। दे ऑल आर रेडी टू हेल्प, व्हिच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट देम। ओ आगे में दुकान है, ये दुकान नहीं मिलेगा बोलते, पर मिल गया दुकान। एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अंदर में दुकान होगा बोलते, के बिना में हमको एनर्जी चाहिए होगा ना, तो हम किसे करके नहाएगा? ये हमको एनर्जी देगा। यहाँ पे लिखा है नो एंट्री, इसलिए हम अपने व्हीकल को वहां पर रखकर पैदल मारने वाले हैं। और उस दीदी ने बताया कि आधा घंटा लगेगा। लेट्स सी। आप देख ही सकते हैं यहाँ का रोड कंडीशन उतना ठीक नहीं है, सो अगर आप यहाँ पर आने का प्लानिंग कर रहे हो तो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ बम्पी राइड।
कहते हैं हम दाई दशा, अरुणाचली लैंग्वेज में से दाई दशा कहते हैं। और इसका जो फ्रूट है वो कच्चा है, वरना मैं उसे खा के दिखाती हूँ आपको, कि एक बहुत ही मेमोरेबल हिस्सा होता है हर किसी के बचपन का। एंड इसे मैं अभी खा तो नहीं सकती पर पहन तो सकती हूँ। चलो चलते हैं। आधा घंटा ऐसा लग रहा है कि हम ये पहाड़ खत्म ही नहीं हो रहा है, चढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं देखो और आगे चढ़ना है और उसके बाद और चढ़ना होगा। I'm tired. चलो वापस चलते हैं। Few moments later. इतने दूर आ ही चुके हैं तो जाएंगे, जाकर ही चोरेंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। One eternity later. झरना कहाँ है? रेगिस्तान पे आ गई हूँ लग रहा है। कहाँ है झरना? Finally friends, you can see यहाँ पर लिखा है दरिया वाटरफॉल, मतलब कि नजदीक पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर गेट भी बनाया हुआ है। आई एम वंडरिंग कि इतने ऊपर कैसे है ये सब बना पाया होगा। वेलकम टू दरिया वाटरफॉल ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। सोचा था कि वो गेट के बाद इंस्टेंटली में ये कौन है, इतना दूर देखो तो कैसे है। आधा घंटे से ऐसे ही लग रहा है अभी पहुंचने वाला है, पर आई डोंट नो अभी पहुंच जाए तो अच्छा है। अरिजीत सिंह ने सही ही कहा था, सफर खूबसूरत है मंजिल से ही, मंजिल मिले या ना मिले सफर को एंजॉय करो। आई नो ये सफर बहुत ही ज्यादा हार्डशिप वाला है, बट आई एम स्टिल एंजॉयिंग इट एंड आई विल रिमेम्बर इट। अगर रोड का कंडीशन ठीक हो जाए तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस फॉर टूरिज्म। फाइनली हम पहुंच चुके हैं दरिया वाटरफॉल में। वो है अपने लगाऊंगी टुक्की। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जितनी भी कठिनाई थे रास्ते पर जायज था। सच में प्रकृति कितना सुंदर है, जो भी इसके आंचल में आता है उन्हें ये खुश कर देता है। उम्र की कोई सीमा नहीं, प्रकृति के सामने हर कोई एक नन्हा सा बच्चा बन जाता है। सारी तकलीफें भूलकर प्रकृति में ऐसे घुल मिल जाते हैं। ऐसे हो भी क्यों ना, आखिर हम सब प्रकृति का ही तो हिस्सा है। भले ही मैं टेलीविजन पर ना आऊं, पर मैं भी हीरोइन हूं अपने सरतमियांगा शो में। This is your baby doll, Sartamianga.
बहुत प्यास लग रही है, तो चलो नेचुरल वाटर पीने चलते हैं। यहाँ पर है वो ठंडी हवा के झोंके ने तो मुझे अपना दीवाना ही बना दिया। अब जब भी मैं तपती धूप में से गुजरूंगी मुझे ये बहुत याद आएगा। मौका मिले तो दोबारा जरूर आऊंगी और हम दोनों की पहली मुलाकात की बातें करेंगे। तो हमारा एक्सप्लोर कंप्लीट हुआ, बहुत एंजॉय किया एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे, क्योंकि सिर्फ नहाने नहीं आए, सिर्फ एक्सप्लोर करने नहीं, उस साथ में मुझे ग्रीन ग्रीन सब्जी भी मिला, माय फेवरेट। हम इसे कहते हैं ब्यादुक, ब्यादुक इससे हम सलाद बना के खाते हैं। सो घर पहुँच कर इसे हम इंजॉय करने वाले हैं। ये कंप्लीट हुआ आज का दिन। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल Thank you for watching Sartam Yanga Show. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।